कितने का दे रहे हो वैसे भी? 120 का जोगा है, 100 का जोगा है। और ये नींबू? नींबू 25 का एक है। सो हेलो एवरीवन, आई एम राजेश प्रसाद एंड वेलकम टू माय चैनल। और ये जो वीडियो है स्पेशली एक तरह से देखा जाए तो छठ की वीडियो है। आप कहाँ से बलिया में छठ का सारा सामान है यू कैन बाय। तो फिलहाल मैं हूँ इस समय लोहा पट्टी वाले रोड पे और देख सकते हैं चारों तरफ काफ़ी सारी शॉप्स हैं। जैसे कि मैं दिखाता हूँ एक बार, केला है और इस रोड पर अगर देखा जाए तो मोस्टली सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। फ्रूट्स वगैरह हैं, सूप है और काफ़ी सारी चीज़ें एक एक करके मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर नारियल भी करेगा, मैं बताता हूँ इसकी क्या प्राइस है। नारियल कितने का है सर? 45। और ये वाला? 45। और ये वाला? 45। नींबू? नींबू 25 का। 25 रुपये का। जैसे कि आपने देखा और नींबू का जो प्राइस है 25 रुपीज़ और नारियल है 45 का। सेब कैसे भाई सब? सेब 60 रुपये किलो अंडर। 60 रुपये जी। और यहाँ पे आपको छठ के लिए सूप मिल जाएगा अलग अलग तरीके से। आप है क्या सूप पे? और प्राइस थोड़ा बता दीजिएगा, ये कितने का है? कौन सा? ये वाला 140 रुपये। और ये छोटा वाला? 60 रुपये का। 60 रुपये का। और ये वाला? 260 रुपये। देखो ये फ्रूट्स और ये पूजा का सामान। अनानास कैसे बाबा? अनानास हाँ 50 रुपये का एक पीस है। और नींबू? नींबू 30 का एक। 30 रुपये का एक है। और ये? ये है 10 का 30 का पाव। अच्छा चलिए ठीक है। और ये? ये हाँ ये 10 का जोड़ा है। 10 रुपये का जोड़ा है। क्या नाम है इसका? इसका अमरस नाम है। अमरस ठीक है। आंवला ये कैसे दे रहे हैं? 40 रुपये। तो आ जाओ आगे आगे। और कुछ लेना है? तो यहाँ पे बेसिकली लोहा पट्टी रोड है। यहाँ पे आपको सिंघाड़ा देखने को मिलेगा जो कि वाटर हायसिंथ है। कैसे दे रहे हो सिंघाड़ा? 20 रुपये। 30 रुपये किलो ठीक है। बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे जितने भी आपको छठ से रिलेटेड सामान है सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएगी। और फ्रूट्स हो, चाहे वो सूप हो, चाहे वो प्रसाद के लिए सामान हो। और एक ये और दुकान है, मैं वो भी आपको शो करता हूँ। चढ़ा कैसे दीवार पे लगता है? कैसे? ये 20 रुपये गड्डी है। 20 रुपये गड्डी है हाँ। ये 5 लाख है। सारा सारा छठ का सामान है। हाँ हाँ ठीक है। और ये है गोल चौराहा, जैसे कि पीछे की तरफ शहीद पार्क। और हालांकि देखा जाए तो काफ़ी रश रहता है यहाँ पे। लेकिन हमारे पास नहीं भैया, हमने का फोटो खींचा रहा। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ हो रही है क्योंकि छठ का त्यौहार है। और आप जानते ही हैं कि यूपी और बिहार के अंदर छठ एक काफ़ी बड़ा अच्छे तरीके से फेस्टिवल मनाया जाता है। और यहाँ पे आपको ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं छठ के अंदर फल तो खरीदे ही जाते हैं और इसके साथ साथ आपको क्लोथिंग की भी मार्केटिंग लोग करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रीट पे लोग कपड़े बेच रहे हैं और काफ़ी यहाँ पे भी भीड़ लगी हुई है।
और क्या है भाई ये साठी का चावल किस लिए इस्तेमाल किया जाता है इसको छठ पूजा में छठ में और ये साठी का चावल है ये भी छठी का चावल है अच्छा और ये कैसे ये मखाना लावा है लावा लगता है ये कितने का है ये 70 रुपये का है अच्छा जो छठ से जितना भी सामान सड़क से नहीं मिलता है लोहा पट्टी वाले रोड पट्टी वाले रोड में कुतरी बाजार में स्टेशन रोड में स्टेशन रोड में मिलेगा सबसे बड़ा मार्केट कौन सा ये लोहा पट्टी वाला कौन सा लोहा पट्टी वाला लोहा पट्टी वाला ये मंडी टीखमपुर में उसमें वहाँ पर होलसेल में मिलता है वहाँ पे होलसेल में मिलता है और ये सब चीज़ें भी चढ़ाई जाती है ये क्या नाम है इसका कटोरा कटोरा बतासा धान जलेरा का लगा और ये क्या है ये छाक है छाक ये किस काम आता है ये भी लगता है ये भी लगता है चलिए ठीक है मैं देखा काफ़ी सारी चीज़ें हैं और जो कि यहाँ मिल रही हैं आपको और ये है शहीद पार्क वाला जो गेट है यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ सूप वगैरह है अनानास है नारियल है मोस्टली जो मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है सूप है अनानास है और नींबू है और नारियल नारियल मोस्टली नारियल को जो प्राइस है वो है 20-45 सॉरी यहाँ पे ये दुकान है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है बलिया के अंदर फॉर द क्लोथ्स वो है गंगा जमुना तो एक बार दिखाता हूँ मैं बाहर से कैसा लगता है एक्चुअली दिस इज माई फेवरेट मुझे काफ़ी अच्छा लगता है सो आई विल डेफिनेटली ट्राई कि कुछ दिनों के अंदर एक इसकी एक प्रॉपर वीडियो के लिए ट्राई करूँगा मैं और मार्केट में जैसे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा रश है मुझे नारियल ज़्यादा दिखाई देने देखने में मिल रहा है बनाने का तो अभी कुछ नज़र ही नहीं आया तो क्या ये भी चढ़ेगा क्या ये भी कोड़ा है अच्छा ये कैसे ये 20 रुपये किलो और ये संतरा 80 रुपये किलो 80 रुपये किलो और अमरूद 20 का है और अनानास अनानास 50 का ये नारियल नारियल नहीं है गाजर नींबू नींबू 40 रुपये के 40 रुपये के जैसे कि देख रहे हैं आप अलग अलग चीज़ों का अलग अलग प्राइस है नींबू का बताया मैंने नारियल का अनार का कोहड़ा का जो कि यूज़ किया जाता है और अभी तक जो मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ नहीं दिखाई दे रही थी और वो है बनाना उनका दिखाता हूँ मैं बेच रहे हैं क्या भाई साहब जी 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 कैसे केला केला है 50 रुपये दर्जन मार्केट में केला दिखाई नहीं दे रहा है सबको मार्केट में क्या अभी केला दिखाई देगा कल से कल से दिखाई देगा कल से दिखाई देगा केला 60 रुपये दर्जन तो 60 रेट बढ़ेगा छठ की वजह से हाँ हाँ छठ की वजह से रेट बढ़ा चलिए ठीक हाँ छठ के सामान के लिए बड़ी मार्केट है ये लोहा पट्टी ये है चाहिए हाँ सारा सामान यहीं पर मिलता है तो मंडी मिलेगा जी जी मंडी में होलसेल में मिलेगा या इधर जाएंगे लोग पट्टी में होलसेल में मिलेगा और यहाँ पर फुटकर मिलेगा जी 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 60 रुपये दर्जन है हाँ जैसा कि आपने देखा मोस्टली जो चीज़ें हैं मैं ट्राई कर रहा हूँ कवर करने के लिए और सारी की सारी चीज़ें मैं आपको दिखा चुका हूँ और आई होप की जो वीडियो थी आपको अच्छी लगी होगी और जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी मुझे लगा कि आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहिए वो मैंने शेयर किया आप सभी लोगों के साथ और कुछ एक स्टोर है आई मैं ट्राई कर रहा हूँ कि वहाँ की भी वीडियोस अगर पॉसिबल हो तो आप सभी लोगों के लिए मैं शो कर सकूँ या फिर दिखा सकूँ सो देखते हैं अगर कुछ और ट्राई करते हैं अगर देखने को मिलेगा सो आई विल डेफिनेटली शो यू सो अभी के लिए बस इतना ही